नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर, जिसके पार्ट में 30 से 35 क्वेश्चन हो सकते हैं और 40 क्वेश्चन आ सकते हैं। हम जो आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे, इससे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अब देखो, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे बेसिक कंप्यूटर के बेसिक। अब देखो, कंप्यूटर शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया, कब किया, कंप्यूटर शब्द किससे बना है, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में वायरस किससे आते हैं, सब प्रथम कंप्यूटर का वायरस कहाँ से आया, सब सब के बारे में आपको बताएंगे। आप देखो, कंप्यूटर शब्द का सबसे प्रयोग 1613 ईस्वी में रॉबर्ट रेटवेट ने किया था। 1613 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रेथवेट ने किया था। कंप्यूटर शब्द बना है कंप्यूट से, कंप्यूटर शब्द बना है कंप्यूट से। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। कंप्यूटर, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणना करना। शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। तो कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है यह संगणक। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक। इसका हिंदी अर्थ होता है संगणक। संगणक आप लोगों को बता दें, कंप्यूटर शब्द का शब्द का प्रयोग किया था 1613 ईस्वी में रॉबर्ट बैटलर ने। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक। अब आप लोगों को हम बताते हैं कंप्यूटर में सर्वप्रथम वायरस कहाँ से आते हैं, सर्वप्रथम वायरस कहाँ आया था, भारत में सर्वप्रथम वायरस कब और कहाँ आया था। देखो, कंप्यूटर में सर्वप्रथम कंप्यूटर में सबसे ज्यादा वायरस आते हैं इंटरनेट से। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा वायरस आते हैं इंटरनेट से। जिसमें सर्वप्रथम वायरस आया था फीफा। जिसमें सर्वप्रथम वायरस आया था फीफा। यह 1970 ईस्वी में अमेरिका में आया। भारत में सर्वप्रथम वायरस आया था 1986 ईस्वी में चेन्नई में आया था। इस वायरस का नाम था सी ब्रेन। ठीक है, आप लोगों को हमने बताया कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1613 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रेथवेट ने। कंप्यूटर शब्द बनाया कंप्यूट से। कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना और कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक। अब आप लोगों को हमने बताया कंप्यूटर में सबसे ज्यादा वायरस कहाँ से आते हैं। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा वायरस आते हैं इंटरनेट से। विश्व में सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस आया था क्रीफा। यह 1970 ईस्वी में अमेरिका में आया था। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस 1986 ईस्वी में चेन्नई में आया था, जिसका नाम था सी ब्रेन। और आप लोगों को हम बताने वाले हैं कंप्यूटर में सबसे खतरनाक वायरस होता है, वो होता है आई डब्ल्यू वायरस। कंप्यूटर में सबसे खतरनाक वायरस यह आया था सन 2000 में। यह सबसे खतरनाक वायरस माना जाता है। आप लोग हम बता चुके हैं कंप्यूटर शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा वायरस इंटरनेट से आते हैं। कंप्यूटर विश्व में सर्वप्रथम वायरस आया था क्रीपर 1970 में। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस 1986
1986 में आया था चेन्नई में, जिसका नाम था सी ब्रेन। कंप्यूटर सबसे खतरनाक वायरस होता है, आई लव यू वायरस आया था सन 2001 में। और दोस्तों क्वेश्चन आता है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर दो प्रकार की गणना करता है, कंप्यूटर करता है एक तो करता है लॉजिकल गणना, लॉजिकल गणना, लॉजिकल गणना के अंतर्गत आते हैं ये सब, और अर्थमेटिक गणना होती है जो उसको आते हैं प्लस माइनस भाग गुणा जोड़ घटा, ये आते हैं। कंप्यूटर दोनों प्रकार की गणना करता है। कंप्यूटर में वर्तमान में पांचवी पीढ़ी चल रही है, प्रथम पीढ़ी चली थी 1942 से 1955 में, इनके बारे में आप लोगों को कल बताएंगे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया, इनपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया, और प्रथम पीढ़ी का प्रमुख कंप्यूटर कौन सा है, और इसमें कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, पंच कार्ड इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर किया गया, इसके बारे में सबको आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, आप हमारे चैनल को देखते रहें, थैंक यू। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और अगली वीडियो जो है आपको रेगुलरली मिलती रहे दोस्तों।